पानी बढ़ रहा है। बारिश के बाद राजौरी का ये अहम दरिया है, जिस दरिया में इस वक्त जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पानी का बहाव कितना तेज़ है और किस किस्म ये हालात आप देख सकते हैं कि ये फ्लड लाइक सिचुएशन इस वक्त यहाँ पर बनी हुई है। सीधी तस्वीरें स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आप तक पहुँचाई जा रही हैं। ये राजौरी का वार्ड नंबर 2 का ये एरिया है और ये घनी बस्ती का इलाका है। इस तरफ आप देखें ये पानी कितना नज़दीक आ रहा है, आप तस्वीरों में देखेंगे ये आबादी वाला एरिया है, लोग किस तरह घरों से बाहर निकल गए हैं। तस्वीरों में सीधा आप देख सकते हैं पानी जो है थोड़ी थोड़ी देर के बाद बढ़ रहा है और आप देखें कि पानी कहां तक पहुंच चुका है। तो सीधी तस्वीरें स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आप तक पहुँचाई जा रही हैं। अगर राजौरी पुलिस की बात की जाए तो राजौरी पुलिस की तरफ से भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और राजौरी में इस वक्त चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी के दस्ते तैनात कर दिए गए हैं कि किसी भी किस्म की घटना जो है वो इलाके में ना होने पाए। ये सामने वाली तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये झुग्गी झोंपड़ी वाले लोग जो यहाँ पर रहते हैं, पुलिस की टुकड़ियाँ यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और इन लोगों को यहाँ से किसी सेफ जगह पर पहुँचाए जाने का काम बदस्तूर जारी है। और ये लोग देखें आप कि लोग अपने घरों से किस तरह बाहर निकल गए हैं। सीधी तस्वीरें स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही हैं। ये आप देख सकते हैं कि खुर्शीद जी आप भी यहाँ पर खड़े हैं, कितना बड़ा रिस्क है यहाँ पे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी खबर आई थी कि दराल और खन्ना मंडी में बारिश हुई है, उसकी वजह से यहाँ बहुत बड़ा दरिया आया है, जिसकी वजह से आप देख भी सकते हैं कि यहाँ बहुत खतरा है। बिल्कुल मकानों के पास से दरिया जा रहा है। यहाँ पर हमारी कैंट के पुलिस जो है, उनकी गाड़ी जो है, वो ऑलरेडी हमें इस खतरे से बता रही है कि खतरा है, अपने आप को बचाइए। आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त दरिया कितना ज़्यादा है और जो नीचे वाले लोग हैं उनको भी ये मैसेज कन्वे करते हैं कि वो भी अपने आप को बचाएं। अभी यहाँ ज़बरदस्त बारिश है, थन्ना मंडी से और दराल से ये खबरें मौसूल हुई हैं कि दराल और थन्ना मंडी में बहुत बड़ी बारिश है और जो रात का समय आने वाला उसमें जो बेला कॉलोनी है ये तो दरिया के बिल्कुल जद में है और उन लोगों को भी खबर होनी चाहिए कि रात को कुछ भी हो सकता है और एडमिनिस्ट्रेशन को ये इतला दी जाती है कि रात को इन लोगों को अलर्ट कर दें। तो आपने सुना, ये मकामी यहीं के रहने वाले हैं जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये दरिया जो इतना ज़बरदस्त तरीके से आया है, ये तेज़ बहाव वाला जो दरिया है, इससे खतरा भी हो सकता है और लोगों को सेफ प्लेसेस पर रेस्क्यू भी किया जा सकता है। और आप तस्वीरें देखें कि किस तरह ये घनी आबादी वाला इलाका है, ये पानी भी इस इलाके में आ सकता है। जम्मू कश्मीर पुलिस इस वक्त तैनात है और आप देखें कि तस्वीरों में किस तरह लोग भी घरों से निकलकर, ये सामने वाला जो दृश्य आप देख रहे हैं ये बेला कॉलोनी
के नाम से मशहूर जगह है जिसका असल नाम मदीना कॉलोनी है। और ये ब्रिज जो है, ब्रिज के ऊपर लोग खड़े हैं, पुलिस खड़ी है, लोगों को जो आगे पीछे तितर बितर किया जा रहा है, लोगों को सेफ जगहों पर पहुंचाया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई घटना ना घट सके। लेकिन पिछले 2 घंटे से हुई मूसलाधार बारिश की वजह से ये नदी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आने वाले समय में अगर 1 से 2 घंटे मजीद और बारिश होती है तो कोई खतरा भी हो सकता है इस इलाके के लिए। सीधी तस्वीरें स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही हैं। ये तस्वीरों में देखें आप कि रजौरी का ये इलाका है, वार्ड नंबर 2 मदीना कॉलोनी का ये एरिया है। ये लोग इस वक्त खतरे में हैं जबकि पुलिस के दस्ते भी यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों को सेफ प्लेसेस पर पहुँचाए जाने का काम बदस्तूर जारी है। ये फ्लड लाइक सिचुएशन, ये पानी का इतना तेज़ बहाव आप सीधी तस्वीरें स्ट्रेट लाइन के माध्यम पर देख सकते हैं कि किस किस्म का ये जो दरिया है ये उभर कर सामने आया है। और अगर मानसून के हवाले से बात की जाए तो पूरा मानसून इतनी ज़्यादा बारिशें इस इलाके में नहीं हुई हैं, जबकि आज पिछले 2 घंटे से ऊपरी इलाकों में बारिशें होने की वजह से ये दरिया का बहाव तेज़ हो चुका है। और पानी आप देख सकते हैं कि पानी का बहाव कितना है, और पानी ये आप देखें तस्वीरों में, ये मकामी यहीं के रहने वाले हैं। जी बताएं, आप अपना नाम बताएं, कितना रिस्क है इस इलाके में? मेरा नाम है, तो हम वार्ड नंबर 3 के रहने वाले हैं। ये 2014 में जब फ्लड आया था तो इस साइड को पूरा लपेट में लेकर चला गया था। 2014 के बाद फ्लड एरिगेशन ने बहुत सारी स्कीमें बनाई, बावजूद में बनाई, लेकिन अमल बरामद कोई नहीं हुआ, कोई प्रोटेक्शन वाल नहीं बनी। उसके बाद यहाँ एक खूह था बना हुआ, वाटर टैंक, वो भी डैमेज हो गया था। उसके बाद हमारा जो कलवट 2 और 3 वार्ड को जोड़ता है वो भी डैमेज होने वाला है। हमारा 250 केवी का ट्रांसफार्मर भी जाने वाला है, लेकिन गवर्नमेंट ने 2014 के बाद इस साइड में कोई तवज्जो नहीं दी। 2019 में असम्बली भी टूट गई। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतना पैसा दिया कि हर जगह डेवलपमेंट होनी चाहिए, हर जगह प्रोटेक्शन होनी चाहिए, लेकिन हमारी साइड वार्ड नंबर 3 ये 2 से लेकर जो बेला पुल नया ब्रिज है, इस साइड में कोई भी प्रोटेक्शन नहीं हुई और 1 रुपये का काम भी नहीं हुआ। उसके बाद जो हमारा नया बोरवेल निकला है इधर, वो भी इस वक्त डैमेज होने वाला है, उसके करीब पहुंच गया पीछे दरिया, लेकिन इस साइड में गवर्नमेंट की कोई तवज्जो नहीं है, ना इस पॉपुलेशन की तरफ, ना इस कॉलोनी की तरफ, वार्ड और 3 में। जब यहाँ से दरिया चढ़ेगा ऊपर और मंडी तक चला जाएगा, ये गली से होके गुजरेगा, यहाँ तक कोई नहीं बचेगा। इसलिए हमारी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से गुजारिश है कि इस साइड को प्लान में बनाए और प्रोटेक्शन वाल बनाए ताकि ये लोग भी सुकून की ज़िंदगी बसर कर सकें। तो सुना आपने, ये तस्वीरें आप देखें कि इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी तरह की कोई प्रोटेक्शन वाल यहाँ पर नहीं है, प्रोटेक्शन वाल नहीं है। और ये सामने जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये जूम करके आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पर प्रोटेक्शन वाल जल जीवन मिशन, जल शक्ति महकमा की तरफ से किसी स्कीम के तहत बनाया गया था, जो इस वक्त पानी की जद में है। ये वही बोरवेल है जिस बोरवेल के लिए कहा जा रहा था कि 60,000 गैलन पर डे ये निकालेगा, लेकिन इस वक्त की सूरत हाल आप देखें कि ये बोरवेल कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। ये मशीनरी दरहम बरहम भी हो सकती है। और ये दृश्य आप देखें कि पानी का बहाव कितना तेज़ है। स्ट्रेट लाइन के माध्यम से तस्वीरें सीधी आप तक पहुंचाई जा रही हैं। ये सामने जो रिहायशी लोग यहाँ पर बसे हुए हैं, आप तस्वीरों में देखें कि ये जो प्रोटेक्शन वाल इनकी तरफ से अपने खर्चे पर बनाई गई थी, इस वक्त पानी किस तरह उस प्रोटेक्शन वाल के ऊपर भी चढ़ रहा है। स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आप तक तस्वीरें पहुँचाई जा रही हैं बराह रास्त। आप देख सकते हैं कि मौजूदा वक्त में क्या सूरत हाल बनी हुई है।
ये रजौरी का व्यू आप देखें, लगना लिया है। स्मार्ट सिटी बनाई है छोटी।